हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली मैक अगेन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे किसी मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसे हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड अप्रोच से। किसी भी मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस करने के लिए उसके इंडिविजुअल लिंक का वेलोसिटी एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई लिंक है जो कि लीनियर मोशन करता है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए किसी भी एक्स मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ में अगर ये लीनियर मोशन करता है, अगर किसी भी इंस्टेंट पे इसकी आपसे लोकेशन पूछी जाए या पूछी जाए कि इसका कौन सा पॉइंट किस पोजीशन पे होगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं क्योंकि आपको इसकी वेलोसिटी पता है और ये लीनियर मोशन में मूव कर रहा है। मीन्स इसका हर पॉइंट एक लीनियर मोशन में मूव कर रहा होगा, हर पॉइंट पैरेलली मूव कर रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट की किसी भी इंस्टेंट पे आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। मान लीजिए यही लिंक किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगे और आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता हो, तो आप इसके किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हैं क्योंकि आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है। बट मान लीजिए कोई लिंक है ए बी, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि एट टाइम टी पे ये इस पोजीशन पे है और एट टाइम टी प्लस डी टी पे ये इसकी पोजीशन ये हो जाती है ए वन बी वन। यहाँ पे देखिए इसका जो मोशन है, पहले ये जो वर्टिकल था अभी थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, मतलब ये रोटेट हो रहा है। उसके बाद इसकी जो पोजीशन थी उससे नीचे आ चुका है। इसकी पोजीशन पॉइंट बी की देखिए, पहले यहाँ पे थी जो कि अब नीचे हो चुकी है, तो ये रोटेट तो किया ही है, ये आगे भी बढ़ा है और साथ ही साथ ही नीचे की तरफ भी आ गया है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं जनरल मोशन। इसमें ट्रांसलेशन भी देखने मिलेगा, इसमें रोटेशन भी हमको देखने के लिए मिलेगा। ये जो मोशन है ये ए से ए वन पे, ये नेग्लिजिबल है। मैंने एक इंस्टेंट के ऊपर ये बताया है, ये हम बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ही यहाँ पर ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए से ए वन जो है वो नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, या बी से बी वन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यहाँ पे इस तरीके के मोशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसे मोशन में जो कि हम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि रोटरी मोशन को हम बहुत ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि कोई लिंक किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, अगर हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता हो, तो हम बहुत इजीली उसके किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हैं। तो सेम हम इसे कन्वर्ट करेंगे रोटरी मोशन में। देखिए वो कैसे करते हैं। मान लीजिए ए से ए वन को हमने जोड़ दिया एक लाइन के थ्रू, बी से बी वन को हमने एक लाइन के थ्रू जोड़ दिया। ये हम मान रहे हैं कि ए से ए वन जो इसका मोशन है वो इस लाइन के अलोंग है। ये हम ऐसा इसलिए मान पा रहे हैं क्योंकि ए से ए वन नेग्लिजिबल है, तो हम ये मान सकते हैं ए से ए वन जो है ये एक लीनियर मोशन में ये मूव किया है। उसके बाद इन दोनों लाइंस के ऊपर जो हमने ए से ए वन को और बी से बी वन को जोड़ा था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर आगे जाके किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है आई। यही पॉइंट जो होगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। हम ये मान सकते हैं कि ये जो लिंक ए बी है वो उस ए वन बी वन पे जो पहुँचा है वो पॉइंट आई के अबाउट रोटेट होके पहुँचा है। अब हम ऐसा क्यों मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोई एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट ये जो है कॉमन सेंटर है किसी दो सर्कल के लिए, इन दोनों के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो हमेशा इसके सेंटर से पास होकर गुजरता है। तो वही हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ए से ए वन जो इसका मोशन था ये एक सर्कल के अलॉन्ग, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई। बी से बी वन जो एक सर्कुलर मोशन था वो, उसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी बी वन। जब इन दोनों के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वह आगे जाके एक पॉइंट पे मिलेगा जो कि इनका कॉमन सेंटर हो गया, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट की, तो ये अगर पॉइंट आई के अबाउट कोई लिंक जो है वो रोटेट कर रहा है तो उसकी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, क्योंकि ये जो लिंक है ये एक पर्टिकुलर टाइम पर पूरा 360 डिग्री घूमेगा। तो जब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे 360 डिग्री घूम रहा है, उसी समय बी भी जो है होगा वो 360 डिग्री घूमेगा। इसका कोई भी पॉइंट होगा वो उतने ही टाइम में 360 डिग्री घूमेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट सेम एंगल कवर करते हैं सेम टाइम में। अब देखते हैं यहाँ पे, जो ए से ए वन है वो तो हमने मान के रखा है नेग्लिजिबल है, बी से बी वन भी नेग्लिजिबल है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी, मैंने बताया था इसके किसी भी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी जब ये किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। तो ए की एंगुलर वेलोसिटी भी वही होगी, बी की एंगुलर वेलोसिटी भी वही होगी और पूरे लिंक ए बी की एंगुलर वेलोसिटी भी वही होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया,
हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है पाई डी एन बाई 60। यहाँ पे डायमीटर को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रेडियस। उसके बाद मैंने आर को बाहर कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2 पाई एन बाई 60। 2 पाई एन बाई 60 जो है वो ओमेगा का फॉर्मूला है, तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाता है आर इंटू ओमेगा, या बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो रेडियस हो जाएगी पॉइंट ए के लिए ए से लेके आई का डिस्टेंस, बी के लिए हो जाएगी बी से लेके आई तक का डिस्टेंस। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बोलिए या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी बोलिए या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी बोलिए, ये तीनों चीज सेम है, क्योंकि हमें पता है लिंक एक पर्टिकुलर टाइम पे ही 360 डिग्री मूव करेगा, तो इसका हर पॉइंट सेम एंगल कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस यानी कि ए से आई की डिस्टेंस, या लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बी एंड आई। अब देखिए ये जो है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बस लागू होता है। जैसे लिंक अपना पोजीशन बदल लिया, अभी ये ए टू बी टू पे आ गया, तो इसके लिए भी एक नया इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाता है। इसलिए इस मेथड का नाम ही इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड अप्रोच। आपको लिंक की एक पोजीशन दी जाएगी और कहा जाएगा इसके जस्ट अगले इंस्टेंट में इस लिंक का मोशन क्या होगा या इस लिंक की वेलोसिटी क्या होगी, वही आपको निकालना है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। तो हम लोग का एक इंस्टेंटेनियस सेंटर में काम हो जाएगा उस समय। अब यहाँ ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है ये देखिए ये बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसको मिलाते हुए अगर हम एक कर्व ड्रॉ कर लें, या तो वो कर्व हो सकता है या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या हो सकता है एक ही जगह वो पॉइंट बार बार मिले। अगर वो कर्व की तरह मिलता है हमें तो उसे हम कहते हैं जनरल मोशन, इसे हम नाम देते हैं सेंट्रोड। जो भी आपको यहाँ पे एक डायग्राम मिलेगा इन सबको जोड़ने पे उसी को हम कहते हैं सेंट्रोड। अगर वो कर्व के फॉर्म में है तो जनरल मोशन होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा। इसका मतलब ये जो लिंक ए बी है ये एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव किया है, तभी तो ये आई आई वन आई टू आई थ्री एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। उसके बाद अगर ये एक ही जगह पे मिल रहा है मतलब प्योर रोटेशन हो रहा है। इन सारे पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है, यहाँ जो एक्सिस पास होगा इन सारे एक्सिस को मिला दिया जाए तो हमें एक सरफेस मिलती है। अगर वो कर्व सरफेस है तो जनरल मोशन, अगर वो प्लेन सरफेस है तो प्योर ट्रांसलेशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन बस मिली है क्योंकि ये पॉइंट है तो इससे एक ही एक्सिस गुजर सकता है तो वो प्योर रोटेशन कहलाएगा, और उस सरफेस को हम लोग नाम देंगे एक्सोड। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से अप्रोच करते हैं, जो कि अर्नोल्ड कैनेडी ने हमें दिया था, इसमें नंबर ऑफ जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं किसी भी मैकेनिज्म में वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ लिंक के ऊपर। तो अगर नंबर ऑफ लिंक एल है तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा एल सी टू, एल कॉम्बिनेशन टू। इसे ब्रेक करेंगे तो मिलेगा एल एल माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी मैकेनिज्म में पांच लिंक हैं तो उसमें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेंगे आपको टोटल 10, जो कि इस प्रकार होंगे। पहले आप 1 को सबके साथ जोड़ दीजिए, 1 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। अब 2 को भी सभी के साथ जोड़ना है, 2 तो 1 के साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो अब 2 जुड़ेगा 3, 4 और 5 के साथ। अब 3 जो है 1 और 2 के साथ जुड़ चुका है तो 3 4 के साथ जुड़ेगा, 5 के साथ वैसी आई 4 5। अब आई 5 जो है 5 तो सबके साथ देखिए जुड़ चुका है। तो इस तरीके से हमको टोटल 10 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं। देखिए ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है। ये पॉइंट जो है अगर एक जगह पे फिक्स है तो लिंक 1 जो है वो इसके अबाउट ही रोटेट हो सकता है, लिंक 2 जो है वो भी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो इन दोनों का कॉमन सेंटर जो है रोटेट होने का वो ये होगा, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे आई 12। वैसे यहाँ पे देखिए इस सरफेस के ऊपर ये रोल हो रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट ही ये रोल होगा। तो यहाँ पे ये होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर आई 12, जहाँ पे ये दोनों सरफेस एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रही हैं। उसके बाद अगर कोई स्लाइडिंग सरफेस होती है तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है वो इन्फानाइट पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेगा इसका मोशन देखिए एकदम एक लाइन की तरह होगा, और हम मान सकते हैं कि कोई इन्फानाइट रेडियस वाला कोई सर्कल है उसी के अलॉन्ग इसका मोशन हो रहा है। तो इन्फानाइट रेडियस वाले सर्कल का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो भी इन्फानाइट पे ही मिलेगा। वैसे अगर कर्व्ड सरफेस है तो ये 1 और लिंक 2 के लिए अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा तो इनका जो मोशन है इसके परपेंडिकुलर हमको लाइन ड्रॉ करनी है,
ये जहाँ पे मिलेगा वही इनका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। ये कुछ बेसिक इंस्टेंटेनियस सेंटर थे। मान लीजिए नंबर ऑफ लिंक हैं 6, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेंगे हमें 15। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि 4 लिंक दिए हुए हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से हमें फाइंड आउट करना है इन सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को। वही मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। अगर नंबर ऑफ लिंक 4 हैं तो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें मिलेंगे टोटल 6। ये सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर हमको मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे लोकेट करना है सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को। तो उसे लोकेट करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप रफ हैंड एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। याद रखिए ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, तो इसे प्रॉपर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसे रफ हैंड ही ड्रॉ करना है। उसके बाद इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स दे दीजिए। ये अगर हमारे पास 4 लिंक है तो हमने 1, 2, 3, 4 इक्वल डिस्टेंस पे रफ हैंड यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स दे देना है। अगर 6 लिंक्स होते तो यहाँ पे मैं 1 से लेके 6 तक के मार्क्स मार्किंग करता। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स मैंने बना दिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक्स 4 ही थे। अब पहला इंस्टेंटेनियस सेंटर जो बनेगा वो बनेगा 1 और 2 के बीच में, यानी I12। तो देखिए 1 और 2 जहाँ पे जुड़ रहे हैं वही होगा I12। वैसे ही 2, 3 के लिए बनेगा जहाँ पे 2 और 3 जुड़े हुए हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों जुड़े हैं यही I23 है। उसके बाद I34 मिलेगा हमें यहाँ पे, I14 या I41 बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, वो मिलेगा हमें यहाँ पे। तो देखिए 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर तो हमें मिल गए, टोटल 6 हैं। 2 और हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमें नहीं मिले हैं। हमें I13 नहीं मिला है और I24 नहीं मिला है, बाकी सब मिल चुके हैं। तो देखिए 1 से 3 हमें चाहिए, तो 1 से 3 जाने का जो रास्ता है बाकी 2 रास्तों से भी कंप्लीट किया जा सकता है। पहला है I12 और I23 से, तो हम I12 और I23 इन दोनों को मिला देंगे एक लाइन के थ्रू। ये लाइन देखिए इन दोनों के आर पार हो गई। अब दूसरा रास्ता है I14 और I43 वाला, तो I14 और I43 है, I34 दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही कहलाएगा I13। सिमिलरली अब हमें ड्रॉ करना है 2, 4 के लिए। तो देखिए 2 से 4 जाने का 2 रास्ता है। पहला है I12 और 14, तो 12 और 14 को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा रास्ता है 23 और 34, तो 23 और 34 को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे वही कहलाएगा I24। इस तरीके से यहाँ पे पूरे 6 के 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है।